कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास वीवी का ये वीडियो काफी वायरल हुआ है। दरअसल भाजपा नेताओं ने ये वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। अब ऐसा क्यों हुआ ये आप वीडियो देखने पर समझ जाएंगे। महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूँ उसी डयन को महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस क्लिप को ट्वीट करते हुए लिखा कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी की हार अभी तक कांग्रेस भूली नहीं है और ये बयान भी उसी के कारण दिया गया। वहीं भाजपा कर्नाटका ने भी ये क्लिप ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत कई लोगों ने भी श्रीनिवास के इस बयान की निंदा की। न्यूज 18 इंडिया के शो में एंकर अमीश देवगन ने इस मामले के संदर्भ में ये कहा। स्मृति ईरानी को लेकर जो आपके यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस यूथ विंग के प्रेसिडेंट ने टिप्पणी करी है जिस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया, क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी खराब टिप्पणी एक महिला के बेडरूम तक जाना? आप गलत बयान कर रहे हो। चलाइए वो बयान उसका, मैं नहीं चला सकता इतना। नहीं, 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 क्यों नहीं। वही राइट विंग मीडिया आउटलेट ऑफ इंडिया ने इस पूरी घटना के बारे में ये आर्टिकल पब्लिश किया। तो क्या वाकई में श्रीनिवास ने स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की? ऑल न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि सोशल मीडिया पर श्रीनिवास का जो वीडियो वायरल है वो असल में अधूरा है। श्रीनिवास ने अपने भाषण का ये पूरा वीडियो ट्वीट किया था। सबसे पहले तो आप इसे पूरा देख लीजिए। बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई, आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं आप लोग सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोग ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई, यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं उसी डयन को महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि वायरल दावों से अलग श्रीनिवास यहाँ महंगाई को डायन के रूप में संदर्भित कर रहे थे। हालांकि इस पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट भी हम आपको बता देते हैं। महंगाई डायन फिल्म पीपली लाइव के एक गीत का नाम है जिसमें महंगाई बढ़ने की प्रमुख सामाजिक और आर्थिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। इस गाने का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक संदर्भ में किया जाता रहा है। साल 2012 में पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने एक चुनावी सभा के दौरान ये गीत गुनगुनाया था और ऐसे ही श्रीनिवास ने इस गाने के संदर्भ का इस्तेमाल किया। हालांकि ये सच है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो गरीबों की मांगों के प्रति गूंगी बहरी हो गई है। अपने बयान के बारे में ANI से बात करते हुए श्रीनिवास ने ये कहा। स्मृति ईरानी को कि गूंगी बहरी हो गई है, महंगाई डायन को लेके बनाकर प्रधानमंत्री के कारण बना दिया। अब जिस तरीके से ये बयान आपका सामने वायरल भी हो रहा है उसपे आप क्या देखिए, मैं उन्हीं का बात आगे किया हूँ। मनमोहन सिंह जी को ये बात की थी, महंगाई को 400 रुपए सिलेंडर हुआ था उसको महंगाई को डयन बना दिया करके मनमोहन सिंह को बोले थे। अभी 1100 हो गया है, उसी डयान को ये लोग ने डार्लिंग बना के बिठाया करके बोला, उसमें गलत क्या है? वेयर इज द रॉन्ग? जिस तरीके से एवरी थ्री डेज उनका बयान उन लोग ने अडानी को बचाना, अडानी को। और ऐसे ही इंडिया टुडे से बात करते हुए अपने कथित बयान के संदर्भ में उन्होंने ये बताया। मैंने स्मृति ईरानी जी को मैं पूछता हूँ, अरे स्मृति ईरानी जी, आपने सड़क पे लेके घूमते थे सिलेंडर लेके, मंत्री बनने के बाद इस देश का महिला के कितने बच्ची के साथ अत्याचार हुआ कभी बात उठाया? इस देश में कितना महिला के जलाया, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया, तब बोला क्या? कभी बोले? सिली सोल्यूशन में तुरंत आ गया, प्रेस मीट कर दिया, सोनिया गांधी जी को अपमान किया। जो तैग का परिवार है गांधी परिवार, सोनिया गांधी को तुमने पार्लियामेंट वो बड़ी सदन में अपमान किया, क्या शब्द यूज किया? तब तुमने सोनिया जी को अपमान नहीं किया? हाँ, ये लोग बात करने हैं, ये सारे एक है, ये अडानी को बचाना है, अडानी को बचाना है तो एवरी थ्री डेज देयर चेंजिंग देयर स्टेटमेंट।
तो जैसा कि आपने देखा, महंगाई डायन गाने का संदर्भ देकर कांग्रेस के युवा नेता श्रीनिवास ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर निशाना साधा था। लेकिन इस भाषण का क्लिप वीडियो भाजपा नेताओं ने चलाया और कहा कि श्रीनिवास ने स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जबकि ऐसा नहीं था।